दस्तक की शुरुआत करते हैं जहां आज सबसे पहले याद करिए संविधान की उस प्रस्तावना को जिससे भारतीय राज्य की प्रकृति, राज्यों के मकसद का विवरण दर्ज है। जिस प्रस्तावना में लिखा है कि हम भारत के लोग राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए संविधान को आत्म अर्पित करते हैं, लेकिन वही राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली शपथ तब सवाल करती है जब एक देश के दो राज्यों के बीच सीमा विवाद में हिंसा होती है। एक राज्य के पुलिसकर्मियों से चली गोली दूसरे राज्य के 5 पुलिस वालों की जान ले लेती, इसके बाद क्या स्थिति है और चिंता की बात क्यों है समझिए। पहली बड़ी बात है कि असम के मुख्यमंत्री ने कहा है कि अब मिजोरम की सीमा से सटे 3 जिलों में कमांडो की 3 बटालियंस लगाएंगे, यानी करीब 3,000 कमांडो लगाए जाएंगे। असम के मुख्यमंत्री के आरोपों के अनुसार विवाद के दौरान मिजोरम की तरफ से बुलेट प्रूफ जैकेट पहनकर स्नाइपर्स का इस्तेमाल किया गया। तीसरी चिंता की बात यह है कि असम के 5 पुलिसकर्मियों की जान जाने और नागरिकों पर गोली चलाने के बाद मिजोरम के पुलिसकर्मियों ने हिंसा करते लोगों के साथ मिलकर जश्न मनाया। चौथी अहम बात यह है कि असम की तरफ से कहा जा रहा है कि हम मर जाएंगे लेकिन अपनी जमीन की रक्षा करेंगे। इस बयान को इस नजरिए से देखिए कि एक देश के भीतर 2 राज्य लड़ रहे हैं, दोनों राज्यों में एक ही दल का शासन भी। तो इन परिस्थितियों का समाधान कैसे होगा और कैसे हम भारत के लोग वाली प्रस्तावना का पालन होगा? 562 रियासतों के टुकड़े में बटे देश को एक राष्ट्र के सूत्र में बांधने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के हिंदुस्तान में आखिर ऐसा क्यों हुआ कि एक देश में एक पार्टी के शासन वाले 2 राज्यों के पुलिसकर्मियों और नागरिकों के बीच ऐसी हिंसा होती है जिसमें गोलियों की आवाज दनादन सुनाई देती है। इन लोग इतना बुलेट किया है वो कोई गिन नहीं सकता। जैसे बारिश होता है ऐसे लगभग आधा घंटा तक ऐसे टक 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 करते रहे। तो फिर सवाल वहीं से शुरू होता है कि जिस देश में हम कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक और त्रिपुरा से सोमनाथ की बातें करते हुए राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते आ रहे हैं और बात पूर्वोत्तर में शांति की होती है, चाहे नॉर्थ ईस्ट में शांति की बहाली हो या नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए उठाए जा रहे कदम, आज देश एकता के नए आयाम स्थापित कर रहा। उसी पूर्वोत्तर भारत की शांति में 26 जुलाई की दोपहर बाद अचानक एक कोलाहल पैदा होता है जब असम की सीमा पर कछार के लैलापुर की सीमा पर असम और मिजोरम के पुलिस वाले और नागरिक एक दूसरे के सामने आ गए। इसके बाद गोलियों की आवाज, आंसू गैस के गोले छूटने की आवाजें असम मिजोरम बॉर्डर पर 26 जुलाई को सुनाई देने लगी, दिखाई देने लगी। 2 जातियों, 2 संप्रदायों, 2 गुटों, 2 दलों, 2 भाषा बोलने वालों के बीच ऐसे तनाव की तस्वीरें तो हमने देश में कई बार देखी, लेकिन 2 राज्यों के सुरक्षा कर्मियों के बीच नागरिकों के साथ मिलकर हिंसा होना, गोली और गोला चलना शायद पहली बार। ऐसी हिंसा ने असम के 5 पुलिस कर्मियों की जिंदगी को खत्म कर दिया, जिन्हें सुबह श्रद्धांजलि देने के लिए असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा सिलचर पहुंचते हैं। चिंता की बात यह कि 26 जुलाई को असम मिजोरम के बीच हिंसा के वक्त दोनों राज्यों के सीएम सीधे खुद बात करने की जगह आपस में दोनों मुख्यमंत्री ट्विटर पर एक दूसरे के राज्य को हिंसा के लिए जिम्मेदार ठहराते रहे और दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री सीधे खुद हिंसा रोकने की पहल करने की जगह केंद्रीय गृह मंत्री से दखल देने की मांग करते रहे। और अब असम के मुख्यमंत्री का आरोप है कि मिजोरम की पुलिस वालों ने लोगों के साथ मिलकर हथियार बंद हमला किया था। फायरिंग का जो घटना हुआ वो असम का सीमा में हुआ है, तो असम पुलिस को इसको इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा, असम पुलिस को केस रजिस्टर करना पड़ेगा, बिकॉज जहां में इंसिडेंट हुआ है, फायरिंग हुआ है, काफी सिविलियन लोग इसमें इन्वॉल्व है, वो सिविलियन लोग को आर्म्स कहां से मिला। सो जब थोड़ा सा ठीक हो जाएगा हम लोग को इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। अपने आरोपों के साथ पिछले 24 घंटे में असम के मुख्यमंत्री इन 2 वीडियो को ट्वीट करके आरोप लगाते हैं कि मिजोरम के पुलिस वालों ने सोच समझकर पहाड़ के ऊपर से निशाना लगाकर असम के पुलिसकर्मियों पर हमला किया और फिर जश्न भी मनाया। 30 सेकंड का यह वीडियो जिसमें दावा है कि जश्न मनाया गया मिजोरम की तरफ से, लेकिन अगर ये दावों के मुताबिक जश्न की तस्वीर है तो ये बहुत कर्कश है, देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरनाक आवाज है। इस वीडियो की पुष्टि आज तक नहीं करता, मुख्यमंत्री असम के जरूर इस पर दावा करते हैं,
इस वीडियो में लाठी लिए हिंसक लोग, हथियारबंद मिजोरम पुलिस के लोग आपस में हाथ मिलाते, नारे लगाते, जश्न करते दिखते हैं और असम के मुख्यमंत्री का आरोप बेहद गंभीर। क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन यू यूटिलाइज आर्म्स एमुनेशन बॉम्ब टू सेटल डिस्प्यूट बिटवीन टू स्टेट। इट इज नॉट चाइना इंडिया बाउंड्री, दिस इज आफ्टर ऑल बाउंड्री ऑफ इंडिया। तो क्या वाकई दो राज्यों के बीच हालात दो देश जैसी सीमा वाले तनाव के बन जा रहे हैं जिसमें पिस्ता देश का नागरिक है? ये तस्वीरों मिजोरम के मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया में डाली और कहा कि असम पुलिस ने मिजोरम के परिवार को निशाना बनाया, लाठियों से पीटा, कार तोड़ी। अब यहाँ के हालात कैसे हैं? आज तक संवाददाता हेमंता नाथ यहाँ पहुँचे हैं और पाते हैं कि शांति है लेकिन तनाव भरी। तनावपूर्ण स्थिति को जल्द से जल्द नॉर्मलाइज किया जाए, ये डिमांड कर रहे लोकल्स ने, और गवर्नमेंट इस विषय को कैसे लेते हैं ये भी देखने की मिशन में होगा। और इसी बीच देखा जाए कि सिक्योरिटी पर्सनल्स को भी यहाँ पर बढ़ाया गया है कि कोई भी दोबारा से कोई भी काल का जो इंसिडेंट हुआ था उसका दोबारा से कोई रिपीट ना हो, इसीलिए सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। बॉर्डर पर मेरी जमीन तुम्हारी जमीन का ये विवाद वर्षों पुराना है जिसका हल अब केंद्र की दखल से निकलेगा, असम मिजोरम आपस में मिलकर निकालेंगे या फिर सुप्रीम कोर्ट के रास्ते कोई समाधान आएगा, अभी तरीका कौन सा होगा साफ नहीं। लेकिन असम मिजोरम के बीच जमीन वाले सीमा विवाद ने इस सवाल को ज्वलंत छोड़ दिया कि कहीं असम और मिजोरम में विरोधी दलों की सरकारें होती या दूसरे राज्यों में जहां आपसी विवाद है और समान दल की सरकार नहीं है तो क्या स्थितियां और गंभीर हो सकती थी या हो सकती हैं? असम में काछर से हेमंता नाथ के साथ आज तक ब्यूरो।